वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द वर्डिक्ट। ये कहानी एक ऐसे वकील की है जिसने ऐसा केस जिसे सभी हारा हुआ मान बैठे थे, पर इस वकील ने सबकी उम्मीदों के परे सबको चौंका दिया। जब क्लाइंट के रिलेटिव तक भी बिक गए थे, पर फ्रैंक अपने उसूलों से इस केस को जीतना चाहता था और उसने अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ये फिल्म एक लीगल ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था सिडनी लुमिट ने। बैरी रीड के इसी नाम के नॉवल पर यह बेस्ड है। पॉल न्यूमैन शार्लेट रैम्पलिंग की अदाकारी से इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर बेस्ट फिल्म समेत 5 अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था। 1.6 मिलियन बजट की इस फिल्म ने 54 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.7 जो कि काफी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है चलो उत्तराखंड, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है फ्रैंक। पहले वो बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर था, बड़ा फेमस था, यहाँ तक कि जज भी उसकी तारीफें करते थे। पर अब वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब समय बदल चुका है, अब वो बात कहाँ, अब तो एक केस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। दरअसल ये सारी बातें 4 साल पहले की हैं। उस समय उसे ज्यूरी टेम्परिंग में आरोपी पाया गया था, यानी ज्यूरी के साथ ही केस के मामले में ये अपने फेवर में ज्यूरी को कन्विंस करता था। इस आरोप की वजह से फ्रैंक को बोस्टन फॉर्म से भी फायर कर दिया गया था। अब फ्रैंक एक अल्कोहलिक बन चुका है, आए दिन शराब पीता रहता है, यहाँ तक कि अब उसे एम्बुलेंस चेसर का टैग दिया गया है। एम्बुलेंस चेसर उन वकीलों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें कि कोई क्लाइंट नहीं मिलता, और वो कोई भी एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखते हैं तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें शायद इसमें कोई क्लाइंट मिल जाए। और अब वही एम्बुलेंस चेसर का टैग फ्रैंक को भी दिया जाने लगा है। इन सब में उसके दोस्त और पुराने टीचर माइकी ने उसे केस दिया है मेडिकल माल प्रैक्टिस का। माइकी ने फ्रैंक से कहा, इस केस को देखकर लगता है कि डिफेंस अच्छा खासा पैसा देगा सेटलमेंट करने के लिए। फ्रैंक भी इस समय काफ़ी लालची हो चला है। उससे मिलने इस केस से जुड़ी एक औरत और उसका पति आया। केस कुछ ऐसा है, इस लड़की की बहन को एनेस्थीसिया दिया गया था चाइल्ड बर्थ के समय, उसके बाद उसने वॉमिट किया और फिर उसे ऑक्सीजन से डिप्राइव किया गया, और रिजल्ट के तौर पर वो औरत आज भी कोमा में है और श्वास यंत्र पर जिंदा है। अब उस पेशेंट की बहन और बहन का पति चाहते हैं कि उन्हें इस केस में हॉस्पिटल की तरफ से कंपनसेशन अमाउंट मिले जिससे कि वो इस औरत की देखरेख कर पाएं। फ्रैंक ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये केस काफ़ी स्ट्रांग है, हम 100% इस केस को जीत जाएंगे। दरअसल जब ये सब कुछ हुआ था तब उस हॉस्पिटल के उस कमरे में उस समय 2 डॉक्टर थे जिन्होंने कि एनेस्थीसिया दिया था, और वे ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब के लिए। शुरू में तो फ्रैंक एक बड़े अमाउंट की उम्मीद कर रहा था डिफेंस की तरफ से, पर आज जब वो इस औरत से मिलने गया जो कि श्वास यंत्र पर है, उस औरत को देखकर फ्रैंक की आत्मा ने उसे अंदर से झकझोरा। अब उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, इन दोनों डॉक्टर्स को वो जेल भेज के रहेगा और साथ में उस कैथोलिक हॉस्पिटल जिसने कि उसका ट्रीटमेंट किया था उसे भी एक्सपोज करके रहेगा। हॉस्पिटल और डॉक्टर की केयरलेसनेस की वजह से आज इस औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इन सब में उस कैथोलिक हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव ने फ्रैंक को ऑफर किया है $2,00,000 का। ये फिल्म 1982 की है, उस समय अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था, पर फ्रैंक ने यह फैसला किया है कि वो इस अमाउंट को कबूल नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने उस औरत और उसके पति से भी इस बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा और सीधा इस अमाउंट के लिए मना कर दिया। अब फ्रैंक जुट गया है पूरी तैयारी में कि वो इस केस को कोर्ट में लेकर जाए। फ्रैंक के इस मूव ने ना सिर्फ कैथोलिक हॉस्पिटल को बल्कि यहाँ तक कि जज को भी सरप्राइज कर दिया है। इन सब में विक्टिम की फैमिली को जब ये पता चला कि फ्रैंक ने सेटलमेंट अमाउंट को इनकार कर दिया है, तब उस औरत के पति को बड़ा गुस्सा आया। वो फ्रैंक पर ही चिल्ला बैठा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इस सेटलमेंट अमाउंट को ठुकराने की। फ्रैंक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे ये केस हैंडल करने दो, मैं ये केस पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे उस औरत के लिए जस्टिस चाहिए जिसकी ज़िंदगी उन दोनों डॉक्टर्स और उस हॉस्पिटल की वजह से बर्बाद हो गई है। फ्रैंक अक्सर अपनी शामें बिताने बार में जाता रहता है, पर आज जब वो बार में गया तो वहाँ उसे एक लेडी मिली, इसका नाम है लॉरा। फ्रैंक तो वैसे ही अकेला था अपनी ज़िंदगी में, उसने लॉरा से बातें करनी शुरू की और अब धीरे धीरे इन दोनों का अक्सर मिलना होने लगा है, यहाँ तक कि अब फ्रैंक को लॉरा से प्यार भी हो चला है। अब आप अक्सर उन्हें एक साथ घूमते हुए देख सकते हैं। इन सब में इस केस का ट्रायल शुरू हो गया। फ्रैंक के ऑपोजिशन में है एड कॉनकैनन, वो एक हाईली पेड लॉयर है, बमुश्किल ही वो कोई केस हारता है। वो अपनी टीम में अकेला नहीं है, उसके पास एक बड़ी लीगल टीम है जो कि ना सिर्फ उसके केसेस को बल्कि मीडिया पर भी अच्छा खासा कंट्रोल रखती है और मीडिया के कई पर्सनल को अपने कंट्रोल में रखती है, यानी सब कुछ उसके फेवर में है। ऐसे में फ्रैंक ये केस कैसे जीतेगा, ये अब एक सवाल बन गया है। केस की सुनवाई शुरू होते ही फ्रैंक को कई सेटबैक्स देखने पड़े,
दरअसल जितने भी गवाह हैं उस हॉस्पिटल के, सबका यही कहना है कि दोनों डॉक्टर्स ने कोई गलती नहीं करी, वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। ऐसे में उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। फ्रैंक के पास एक भी ऐसा गवाह नहीं है जो कि ये कह सके कि वाकई में वहाँ पर हुआ क्या था। इन सब में अचानक से उसके स्टार मेडिकल एक्सपर्ट के गायब होने की खबर आई, और इसकी वजह भी साफ है। एड कॉनन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने अपने आदमियों के थ्रू उसको भी पैसे दिलवा कर फ्रैंक के ऑफिस से गायब करवा दिया है। फ्रैंक ने जो भी टेस्टिमनी तैयार की थी, सब के सब जज के द्वारा क्वेश्चन किए गए। वो गवाहों से सवाल पूछता है, जैसे कि एनेस्थीसिया क्या है, किन परिस्थितियों में ये दिया जाता है, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो सही परिस्थिति थी एनेस्थीसिया को देने के लिए। हालांकि इन सवालों के जवाब फ्रैंक को मिल रहे हैं ना सिर्फ गवाहों से बल्कि दोनों डॉक्टर से भी, पर जब जज ने देखा कि फ्रैंक के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ना ही कोई सबूत है, वो सिर्फ अदालत का समय बर्बाद कर रहा है सवालों को स्ट्रेच कर करके। चलते कोर्ट में जज ने फ्रैंक को टोक दिया और कहा, तुम कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो उसे प्रस्तुत करो। उस समय जो कोई भी स्टाफ हॉस्पिटल के उस रूम को ऑपरेट कर रहा था, सबसे पूछताछ हो चुकी है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसे ये साबित हो पाए कि वहाँ पर कोई भी नेग्लिजेंस हुई थी। अगली तारीख पर इस केस का फैसला आ जाएगा, अगर फ्रैंक ने कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया तो। फ्रैंक के फ्रेंड और फॉर्मर टीचर माइकी ने उसे कहा, अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें वो $2,00,000 का अमाउंट ले लेना चाहिए था, एटलीस्ट विक्टिम के फैमिली को कुछ तो मिल जाता, इससे वह विक्टिम की देखभाल कर पाते। अब उनके लिए उस औरत की देखभाल करना कितना मुश्किल हो चला है। इस समय फ्रैंक ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। इस समय फ्रैंक ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जो कि उस समय एनेस्थीसिया देते वक्त तैयार किए गए थे। उसने इनमें एक नोट पाया है जिसे कि उस समय की नर्स कैटलिन कोस्टेलो ने साइन किया था, और अभी तक उस नर्स को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया है। अगर फ्रैंक उस तक पहुंच जाए तो शायद कैटलिन से उसे कुछ क्लूज मिल जाएं। कैटलिन अभी न्यूयॉर्क में है, ये फ्रैंक को पता चला है उसके एक रिलेटिव से। कैटलिन न्यूयॉर्क के एक प्री स्कूल में एक टीचर है। अब फ्रैंक के पास एक ही रास्ता है कैटलिन से मिलने का, इसलिए आज ही वो न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। उन्हें से जाते वक्त माइकी और लॉरा को अपने ऑफिस में छोड़ गया। आज जब लॉरा फ़ोन पर बात कर रही थी तब माइकी ने छुपकर उसकी बातों को सुना। लॉरा तो इस समय एड कॉनकैनन से बात कर रही है, और साथ में माइकी ने देखा एक चेक जो कि लॉरा के कैबिन में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉरा एड कॉनकैनन के लिए काम करती है। उसने समय देखकर फ्रैंक से दोस्ती बढ़ाई, उससे रिश्ता बनाया, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एड कॉनकैनन तक पास ऑन करती रही और उसे पैसे लेती रही। मिकी ने फिलहाल लॉरा को तो कुछ नहीं कहा, पर वो फ्लाइट से न्यूयॉर्क पहुंचा ताकि वो फ्रैंक से मिले और लॉरा के बारे में सब कुछ बता दे। यहाँ पर फाइनली फ्रैंक उस स्कूल में पहुंचा है जहाँ की कैटलिन पढ़ा रही है। फ्रैंक ने पूछा, क्या आप कैटलिन हैं? उसने कहा हाँ। ये सुनते ही फ्रैंक ने राहत की सांस ली। फ्रैंक को देखकर कैटलिन समझ चुकी है कि वो एक वकील है। फ्रैंक ने कहा, मुझे एक औरत को न्याय दिलाना है जो कि ना सुन सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना कोई रिएक्शन दे सकती है, यहाँ तक कि वो न्याय मांग भी नहीं सकती। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैटलिन ने फ्रैंक को देखा और हाँ में सिर हिलाया। इधर माइकी भी मिला फ्रैंक से और उसने लॉरा के बारे में सब कुछ बता दिया। फाइनली फ्रैंक यहाँ पहुँचा बार में जहाँ की लॉरा ऑलरेडी है। पहले तो उस पर काफ़ी गुस्सा हुआ, फिर उसे धकेल कर फ्लोर पर गिरा दिया। माइकी भी कानून का अच्छा खासा जानकार है, उसने फ्रैंक को एक ऑप्शन दिया है। अगर फ्रैंक इस समय चाहे तो एड कॉनन के खिलाफ एथिक्स वायोलेशन के लिए कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। वो ये बता सकता है कि किस तरह उसने एक लड़की को पैसे देकर फ्रैंक के ऑफिस में भेजा और यहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने तक पहुँचवाई। ऐसे में ट्रायल मिस ट्रायल डिक्लेयर हो जाएगा। पर अब फ्रैंक के पास कैटलिन है, उसे पूरा भरोसा है कि कैटलिन काफ़ी है उसे ये केस जिताने के लिए। उसने माइकी का ये आइडिया ठुकरा दिया। अगले दिन जब कोर्ट की हियरिंग चालू हुई तब फ्रैंक ने जज से रिक्वेस्ट किया कि उसे कैटलिन को कोर्ट में पेश करने की इजाज़त दी जाए। एड कॉनकैनन ने यह सुनते ही इसे रिफ्यूज़ कर दिया, पर फ्रैंक ने यहाँ पर एक एक्सेप्शन मांगा और इसके तहत जज को कैटलिन को कटघरे में पेश करने की इजाज़त देनी पड़ी। जब कैटलिन कटघरे में आई तब उसने कहा, मैं उस समय हॉस्पिटल के उस कमरे में नर्स थी, पेशेंट को एनेस्थीसिया उस केस में नहीं देना चाहिए जब उसने खाना तुरंत खाया हो, और इस केस में पेशेंट ने सिर्फ 1 घंटे पहले ही फुल मील ली थी, ऐसे में उसे एनेस्थीसिया नहीं दिया जाना चाहिए था। पर इस केस में डॉक्टर्स ने नोट्स को केयरफुली पढ़ा नहीं, उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि सिर्फ 1 घंटे पहले पेशेंट ने फुल मील ली थी। वो बड़े केयरलेस थे, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया और उसकी वजह से वो औरत कोमा में चली गई। कैटलिन की गवाही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि दोनों डॉक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस औरत की इस हालत के लिए। अब फ्रैंक पूरा श्योर हो चुका है ये केस जीतने का,
वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। जज ने एड कॉनकैनन से पूछा, क्या तुम्हें कोई सवाल करना है? कॉनकैनन आया और उसने पूछना शुरू किया। उसने कहा, आपने अभी कसम खाई थी कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, क्या आप सच बोल रही हैं? कैटलिन ने कहा, हाँ। जब आप हॉस्पिटल में नर्स थी तब भी आपको सेम ओथ दी गई थी कि आप अपने पेशेंट की पूरी देखभाल करेंगी, पूरी तन्मयता से करेंगी, क्या ऐसा हुआ था? कैटलिन ने इस बार भी हाँ में सिर हिलाया। कॉनकैनन ने कहा, इसका मतलब आपने दोनों समय पर ओथ लिया और दोनों ही ओथ बिल्कुल बराबरी के हैं, क्या आप ऐसा मानती हैं? इस बार भी कैटलिन ने हाँ ही कहा। कॉनकैनन ने पूछना जारी रखा, क्या आपने उस समय अपने ओथ को फॉलो किया था? कैटलिन ने इस बार भी हाँ ही कहा। इस पर कॉनकैनन ने तेज आवाज में कहा, फिर आपने उस कॉलम में जहाँ पर यह पूछा गया था कि पेशेंट ने कितने घंटे पहले फुल मील लिया था, आपने एक घंटे की जगह 9 घंटे क्यों लिखे थे? इस पर कैटलिन चुप हो गई। कॉनकैनन ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस समय झूठ लिखा था, या तो आप अब झूठ बोल रही हैं या फिर आपने तब झूठ लिखा था। अगर पेशेंट ने 1 घंटे पहले खाना खाया था तो आपने 9 घंटे क्यों लिखे, और अगर 9 घंटे पहले खाना खाया था तो आज आप 1 घंटा क्यों बता रही हैं? और इसके साथ ही आपने उन नोट्स पर साइन भी किया हुआ है। दरअसल उस नोट में नर्स को मेंशन करना होता है कि कितने घंटे पहले पेशेंट ने मील लिया था। कैटलिन को 1 घंटा लिखना चाहिए था क्योंकि अभी अभी उसी ने बताया कि पेशेंट ने 1 घंटे पहले ही फुल मील लिया था, पर उसने 9 घंटे लिखा है, ऐसा क्यों? इस पर कैटलिन चुप रही। कॉनकैनन को ये अच्छा खासा मौका मिल गया। उसने जज से कहा, हम ऐसे गवाह की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसकी बातों में ही एक रूपता नहीं दिख रही, उसकी दो बातें आपस में ही क्लैश कर रही हैं। ऐसे में कैटलिन की किसी भी बात को यहाँ पर एक्सेप्ट ना किया जाए। इतने में कैटलिन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोल पड़ी। उसने कहा, वो नोट्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, डॉक्टर्स ने बाद में मुझसे फेक नोट्स बनवाए थे और मुझे फोर्स किया गया था कि मैं नए नोट में 1 की जगह 9 घंटे लिखूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता, मजबूरन मुझे नए नोट्स पर 9 लिखना पड़ा। कॉनकैनन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? कैटलिन ने कहा, मेरे पास उस ओरिजिनल नोट की फोटोकॉपी है, और इसके साथ ही उसने नोट्स को दिखाया भी, और वाकई में वो सही है। पर कॉनकैनन बड़ा स्मार्ट निकला, इतने आसानी से वो केस नहीं हारता। उसने कहा, तुम्हारे पास ये कॉपी कर क्या रही है और तुमने इसे आज तक रखा क्यों हुआ है? कैटलिन ने कहा, उस समय मुझे महसूस हुआ था कि शायद ये कॉपी आगे मेरे काम आ सकती है क्योंकि मुझसे गलत काम कराया गया था, अगर कल को मुझ पर कुछ बात आई तो मैं इसे प्रस्तुत कर सकती हूँ। अब कॉनकैनन के पास कहने को कुछ नहीं है, पर इस बार भी उसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और जज से कहा, लॉ के सेक्शन 139 और सब सेक्शन 2 के तहत हम इस फोटोकॉपी को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इस तरह ये नोट एक्सेप्टेबल नहीं है। जज को भी मजबूरन इस बात को कबूल करना पड़ा और जज ने कहा, ये नोट इस कोर्ट में एक्सेप्टेड नहीं है। कॉनकैनन ने कहा, और इसके साथ ही कैटलिन की गवाही भी एडमिसिबल नहीं है, और इसके दो कारण हैं। पहला कि कोर्ट में जो भी गवाही देता है उसे पहले से इन्फॉर्म करना होता है, कैटलिन के केस में ऐसा नहीं हुआ है, और साथ में उसकी बातें भी डाउटफुल लग रही हैं। ऐसे में उसके कहे गए एक एक शब्द को दरकिनार किया जाए और साथ में उसकी प्रेजेंस को भी यहाँ पर दरकिनार किया जाए, ऐसा माना जाए कि कैटलिन इस कोर्ट में कभी प्रस्तुत हुई ही नहीं। जज को इन सब बातों पर एग्री करना पड़ा। इसका मतलब कैटलिन का यहाँ आना, गवाही देना, उन नोट्स को दिखाना किसी काम की नहीं, और अब रिसेस के बाद ज्यूरी अपना फैसला सुना देगी। अब तक सभी ने कॉनकैनन को विनर मान लिया है, फ्रैंक भी बड़ा उदास है। रिसेस के बाद जज ने फ्रैंक से पूछा, क्या तुम्हें कोई कॉन्क्लूजन देना है? फ्रैंक ने कहा, मिलॉर्ड मैं क्या कॉन्क्लूजन दूँ, क्या हम वाकई में लोगों को अपराध से बचा रहे हैं? ये किस तरह का कानून है जहाँ सब कुछ किताबों में लिखी गई बातों से फॉलो होता है, कोई ये नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत। आज अगर वो औरत हार गई जो कि अपने लिए इंसाफ भी नहीं मांग सकती, तो क्या हम पर आगे कोई भरोसा करेगा? और हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं आम जनता को? मैं ज्यूरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी फैसला लेते समय वो इन सब बातों का ध्यान रखें। और अब मैं ज्यूरी पर सब कुछ छोड़ देता हूँ। ज्यूरी ने कुछ समय लिया और उसके बाद अब वो अपने फैसले के साथ तैयार हैं। ज्यूरी को ये रियलाइज़ हो गया है कि इस केस में असली गिल्टी कौन है। उन्होंने कहा, हॉस्पिटल और दोनों डॉक्टर पूरी तरह जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हुआ उस औरत के साथ, वे पूरी तरह अपराधी हैं। इसके साथ ही ज्यूरी ने जज से पूछा कि क्या हम विक्टिम को जितने पैसे उन्होंने मांगे हैं उससे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं? जज ने कहा, हाँ। और इसके साथ ही फैसला फ्रैंक के फेवर में आया है, फाइनली फ्रैंक की जीत हुई है। फ्रैंक के साइड हर कोई खुश है और सब ने उसे जीत की बधाई दी। कोर्ट से जब वो बाहर निकला तब उसने लौरा को देखा। लौरा की आंखों में पछतावे के आंसू हैं, अब तक वो सिर्फ पैसों के पीछे भागती रही, फ्रैंक की फीलिंग्स को कोई तवज्जो नहीं दी, लिहाजा फ्रैंक ने उसे देखकर इग्नोर कर दिया और वो चला गया।
कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लौरा अपने बेड पर लेटी हुई है। शराब पीते हुए उसने फ्रैंक को फ़ोन किया, वो उससे बात करना चाहती है, पर फ्रैंक ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।